रहे हैं होम्यो रीडर का यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। आज का हमारा टॉपिक जो है रिपेटरी से है, तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं रिपेटरी के बारे में। तो रिपेटरी के बारे में अगर हम बात करें तो हनेमैन साहब रिपेटरी खुद भी बनाना चाहते थे, और जैसा कि आपको मालूम होगा या आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि एफोरिज्म नंबर 153 में डॉक्टर हनेमैन साहब ने स्वयं जो है एफोरिज्म नंबर 153 के फुट नोट में डॉक्टर बोनिंग हसन और डॉक्टर जार के बारे में लिखा है कि इन्होंने इनका जो योगदान है वो रिपेटरी में बहुत ही बेहतर है। तो अब हम बात करते हैं उस बंदे की जिन्होंने रिपेटरी को बनाई या रिपेटरी की शुरुआत करी और जिनकी रिपेटरी के सहारे जो है दुनिया की जितनी भी रिपेटरी थी उन सब की रिपेटरी को एक नया रास्ता मिला, एक नया इंडेक्स मिला, एक नया जरिया मिला कि आगे हम रिपेटरी बना सकते हैं, आगे हम रिपेटरी की संरचना कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें उस रिपेटरी की, तो उस रिपेटरी का नाम था रिपेटरी ऑफ एंटीसोरिक। एंटीसोरिक रिपेटरी की जो शुरुआत होती है वो डॉक्टर बोनिंग हसन ने किया था। अगर हम बात करें डॉक्टर बोनिंग हसन के पूरा नाम की, तो डॉक्टर बोनिंग हसन का जो पूरा नाम था वो डॉक्टर क्लीमेन मारिया फ्रांग वान बोनिंग हसन था। आपका जन्म जो है 12 मार्च 1785 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 26 जनवरी 1864 में हुई थी। अगर हम बात करें डॉक्टर बोनिंग हसन के रिपट्टी या एंटीसोरिक के बारे में, तो रिपट्टी या एंटीसोरिक जो है का पहला एडिशन 1832 में आया था। दूसरा जो एडिशन था वो 1833 यानी 1833 में आया था, और इसका जो थर्ड एडिशन था वो 19 में आया था, 1900 में आया था। और इसके एडिशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला बंदा जो था वो साइरस मैक्सवेल बोगर था, जिन्होंने 19 में इस इनके जो रिपर्टी था उसका ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में किया था। अगर हम इनके रिपर्टी की बात करें तो इनके रिपर्टी में जो ग्रेडेशन था वो 5 ग्रेड था, 5 ग्रेड था, कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, रोमन, रोमन पैरासेंथिक, 5 ग्रेड इनकी रिपर्टी में थे। और टोटल नंबर आप जो मेडिसिन था वो 52 था, टोटल नंबर आप चैप्टर जो है 49 थे, और जो टोटल नंबर आप मेडिसिन 52 था उसमें 50 मेडिसिन जो है वो एंटीसोरिक मेडिसिन थे, 1 मेडिसिन जो है एंटीसाइकोटिस था जो थूजा था, और एंटीसिप्लिटिक जो मेडिसिन थी वो मर्क सोल था। अगर हम इनके रिपर्टी की और विशेष चीजों की बात करें तो जल्दी इनकी रिपर्टी में सबसे पहले जो है एक्सपायरी डेट बताया गया था कि एक होम्योपैथी मेडिसिन कितने समय तक चलती है। तो इन्होंने बताया था कि अगर हमारी मेडिसिन ग्लोब्यूल्स फॉर्म में होती है तो 18 से 20 वर्षों तक काम करती है। जल्दी एंटीसोरिक जो रिपर्टी होती है उसको हर रिपर्टी का प्रोजेनाइटर भी कहा जाता है, मतलब जितनी भी रिपर्टी बनी थी उन सब रिपर्टी को इन्होंने टार्च दिखाने का काम करा था, इन्होंने रास्ता दिखाने का काम करा था। डॉक्टर हनेमैन साहब ने इस रिपट्टी से को बहुत ज़्यादा इनको लगाव था और इस रिपट्टी को इन्होंने अप्रिसिएट भी किया, इसीलिए 1832 में जब ये रिपट्टी बनी, 1832 में जब इस रिपट्टी का पहला एडिशन आया तो इस रिपट्टी का जो प्रीफेस था वो स्वयं डॉक्टर हनेमैन साहब द्वारा लिखा गया था। तो इससे क्वेश्चन भी आता है कि इसका जो प्रीफेस था वो किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका प्रीफेस जो है डॉक्टर हनेमैन साहब द्वारा लिखा गया था। तो ये रहा आज का हमारा जो है टॉपिक रिपट्टी ऑफ एंटीसोरिक, रिपट्टी का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इससे क्वेश्चन आते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको लेटेस्ट जो है जानकारी मिलती रहे। और आपको पता है कि होम्यो रीडर पे हमेशा आपके जो है कि नई नई जानकारी मिलती है, एजुकेशन से लेके रोजगार से लेके आपकी समस्याओं का, हर समस्याओं का समाधान होम्यो रीडर पेज करता आ रहा है। अब होम्यो रीडर चैनल पर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को जरूर और ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।